यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जतिन प्रसाद और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज शाहजहांपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधानसभा के कस्बे में पहुंचकर मंत्री ने 1 अरब से ज्यादा की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया है। साथ ही पीडब्ल्यूडी मंत्री ने 194 करोड़ की 55 परियोजनाओं का भी लोकार्पण करते हुए शिलान्यास किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जतिन प्रसाद ने विभाग के ठेकेदार और अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके जिले में सड़कों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सड़क निर्माण में किसी भी तरह की कोई शिकायत आई तो संबंधित ठेकेदार और विभागीय अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जतिन प्रसाद ने कहा कि वो चाहते हैं कि जिले में सड़कें वर्ल्ड क्लास की सड़कें बननी चाहिए। इस तरह से देख चुके हैं और जान चुके हैं उन लोगों के साथ जो लोग सीमाओं की रक्षा करते हैं और उन लोगों के साथ जो लोग -40 डिग्री टेम्परेचर में जहां पर खड़ा होना, सांस लेना, जहां पर जीवन यापन मुश्किल होता है, उन लोगों के बीच भी अपनी होली और दिवाली बनाते हैं। ऐसा राष्ट्राध्यक्ष हमको मिला है सौभाग्य से। अंग्रेजी की एक सूक्ति है कि सच ए मैन कम्स टू ए नेशन इन मैनी सेंचुरीज। ऐसे लोग कई सौ वर्षों में एक बार पैदा होते हैं। आज वो सूक्ति मोदी जी के लिए चरितार्थ होती है। और जहां तक हमारे मुख्यमंत्री का सवाल है, आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से शपथ ली, उस दिन से उत्तर प्रदेश जो कि एक बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था, जो प्रदेश में विकास की बात तो दूर रही, प्रदेश में एक जंगल राज के रूप में पहचाना जाता था पूरे देश में, जहां के लोग जब उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे तो अपने आप में यह शर्म महसूस करते थे कि हम उत्तर प्रदेश से आए हैं कहने में, क्योंकि गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी समाजवादी पार्टी के सरकार में। आज वही उत्तर प्रदेश एक विकसित उत्तर प्रदेश होने की कगार ये श्रृंखला में सबसे आगे खड़ा है। चाहे आर्थिक स्थिति हो और चाहे विकास का पहिया हो, हमने अभी 1 साल का जब हमारा कार्यकाल पूरा हुआ 25 मार्च को, तो सारे समाचार पत्रों में उपलब्धियां दिखी थी। और सबसे ज्यादा अगर फोकस किया गया है यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है, मूलभूत सुविधाओं पर फोकस किया गया है, बिजली, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क। सड़क सबसे पहली आवश्यकता है, क्योंकि सीधा सीधा आदमी, आम आदमी का वास्ता सड़क से पड़ता है। अगर सड़कें ठीक हैं तो आदमी ये समझता है कि सरकार ठीक काम कर रही है। बिजली 2400 घंटे मिल रही है। जिस दिन से योगी जी की सरकार आई, हम 30,000 मेगावाट बिजली आज पैदा कर रहे हैं। 30,000, ये अपने आप में सौभाग्य की बात है। और केवल उसका प्रशासनिक ढांचा ही चेंज किया हमने, और इसी आधार के ऊपर हम पूरे उत्तर प्रदेश को जो भी हमने घोषणा की, चाहे तहसील स्तर